आपने भी अपनी लाइफ में कई बार डिसिप्लिन लाने का सोचा होगा, या फिर एक बार स्टार्ट तो करते हैं बट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो चलो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम सभी मिलकर के एक साथ में फिक्स करेंगे। आने वाले दिनों में मैं हर दिन आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने कैसे इन सब चीजों को ओवरकम किया, एंड इसी से आप भी कुछ सीख करके अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी ठीक हूँ। तो 3.5 घंटे की नींद लेने के बाद में सुबह मेरी नींद अपने आप खुल गई थी, एंड इस टाइम पे यही हो रहा है। तो मैंने जल्दी से बिस्तर से निकल करके अपने लिए पानी गर्म किया, गुनगुना पानी। ज़्यादा गर्म मैं नहीं पीती हूँ, तो फिर मैं सब सब करके पानी पीती हूँ, और ऐसे करते करते मेरी नींद खुल जाती है जो भी थोड़ी बहुत रहती है। और हाँ, इससे भी पहले, सबसे पहले जब मेरी आँख खुलती है तो मैं हनुमान चालीसा लगा लेती हूँ। वो सुनते सुनते मैं सब चीज़ें करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब अपना दिन पॉजिटिवली स्टार्ट करते हो तो आपके बाकी दिन में भी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एंड इफ़ कुछ नहीं होता है तब भी आप उस नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेते हो, और ऐसे करके सारे दिन आपके अंदर एक कामनेस मेंटेन रहती है। मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा होता है, आप भी ये चीज़ करके देख सकते हो। जस्ट लास्ट कुछ 15 डेज़ में मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है, मेरी हैबिट्स चेंज हो गई है, मेरे सोचने का तरीका चेंज हो गया है, मेरे काम करने का तरीका चेंज हो गया है, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ये सारी चेंजेस मेरे अंदर आए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी, जिसमें से एक ये चीज़ थी कि हमारी लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। दिस इज ऑल दैट विल कीप यू गोइंग इन योर लाइफ। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, बिकॉज हमारे टाइम में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी। आज इसका इतना ज़्यादा हाइप है, तब तो हम ये जानते भी नहीं थे कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं। When a goal is fixed in our mind and you are disciplined, you would not need any motivation. आपको मतलब ही नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ exist भी करती है। जब हम solely dedicated होते हैं अपने goal की तरफ, we wake up daily automatically, complete our all tasks on time and sleep. And again, these things are being repeated. और ये तब तक चलती हैं जब तक अपना goal achieve नहीं कर लेते हो। और अगर आप dedicated ही नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो आपका मन to-do list बनाने का नहीं करेगा, सुबह उठने का नहीं करेगा, पढ़ने का नहीं करेगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। स्टार्ट करने के बाद भी हर 2 मिनट के बाद में फेक मोटिवेशन चाहिए होगा, जो कि 10 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, एंड देन थोड़ी ही देर बाद यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, और फिर आवर्स एंड आवर्स रील्स स्क्रॉल करने का सिलसिला चालू होगा, और ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड दिस हैपेंस विद मेजोरिटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी इन पास्ट। जब तक हमारा गोल डिसाइडेड नहीं है और उसके पीछे का पर्पस डिसाइडेड नहीं रहता है, तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। सो डिसिप्लिन एंड एडुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इट विल पुश यू एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एंड यू विल कीप गोइंग। आप जस्ट फेक मोटिवेशन को ढूंढने के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो वेस्ट करते हो ना, वो आपको कभी काम नहीं आने वाला है। अपने अंदर झांक करके देखो कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, और खुद से पूछो कि ये चीज़ मुझे किस लिए करनी है। और जब ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होगी, किसी भी पुश फैक्टर की जरूरत नहीं होगी। आपके अपने टारगेट्स होंगे और आप अपने आप उस चीज़ को कंप्लीट करोगे। जस्ट अपने ऊपर कंट्रोल रखो और अपने आप को समझाते रहो कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, कैसे भी करनी है, और मुझे कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करके मुझसे ये गोल छीन नहीं सकती है। एंड इन दिस वे यू विल डू एवरी बिट थिंग दैट यू वांट टू डू। तो मेरा पहला स्लॉट खत्म करते करते मुझे 8:30 बज गया, और उसके बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो मेरे पास केलॉग्स रखा था, तो मैंने इसको पहली बार बनाया, और इससे पहले मैंने कभी ये नहीं खाया था क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड मेरा पार्क ना 9 बजे बंद हो जाता है, तो मैं जल्दी से पार्क के लिए निकली, बट मेरे पहुँचते तक सबको बाहर निकाल दिया था एंड पार्क बंद होने वाला था। एंड मेरा यहाँ पे आज योगा करने का बहुत ही ज़्यादा मन था, बट अब तो कर नहीं सकते, और मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मेरे पास एक और जगह थी जहाँ पर मैं कुछ दिनों पहले पहली बार आई थी शाम के टाइम पर, और मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आई थी यहाँ से। तो मैं सोचा चलो वहाँ पे ही चलते हैं, वहीं पे साइड पे बैठ करके हम अपना योगा और मेडिटेशन कर लेंगे। एंड ओह माय गॉड, व्हेन आई केम हियर, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना यहाँ पे। रात के टाइम से भी कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सुबह के टाइम लग रहा था। बिल्कुल शांत वातावरण, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, नदी के बहाव की बहुत प्यारी सी आवाज़ आ रही थी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोग थे। तो मैं नीचे जा करके थोड़ी देर यहाँ पे बैठे रहे और सब चीज़ों को देखते रहे, क्योंकि मुझे ना ग्रीनरी और नेचुरल एनवायरनमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं पसंद है। फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे मेडिटेशन किया और यहाँ से मैं निकल गई, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बैठने के लिए। और घर आते ही मुझे बहुत 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 ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे से उठी हूँ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल खाया, थोड़ा सा केलॉग्स खाया, इतने में क्या ही होता है यार। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं जल्दी से क्या बनाऊँ। उसके बाद में मेरे दिमाग में आया कि मैं दाल चावल और आलू उबालने के लिए एक ही कुकर में रख देती हूँ। तो मैंने वैसे ही किया, और 20 मिनट के अंदर मेरा पूरा खाना रेडी हो गया था। उसके बाद में मैंने ऐसे करके यमी यमी दाल चावल और चोखा खाया। ये चीज़ मैंने मेरा पहली बार ट्राई करी थी, एंड इट टर्न आउट सो ग्रेट। एंड आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो ट्राई मेकिंग आउट दिस। आपके लिए बिना मेहनत के सिंपल था, जल्दी से कुछ बन जाएगा, और इसे खा करके आप अच्छे से फील भी हो जाओगे। और अभी मेरा सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट टास्क स्टार्ट हो गया है, सारी चीज़ों को याद करने का। 70% ऑफ द डे मेरा इसी चीज़ में कंज्यूम होता है, बाकी बचे 30% में 20% मैं चीज़ों को रिवाइज करती हूँ, और रेस्ट 10% में कुछ चीज़ें जो बच गई हैं अभी उनको मैं करती हूँ। तो मेरे स्लॉट के बीच में ही मेरा पार्सल आ गया। बेसिकली मैंने अपने लिए ब्लैंकेट ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं अगले 2 दिनों बाद अपने घर जा रही हूँ, और ये जो मेरा रूटीन चल रहा है, ये मेरे एग्जाम के 4-5 दिन पहले का
रूटीन है, अभी तो और हेक्टिक होने वाला है यार। ब्लैंकेट तो मुझे काफी काफी ज्यादा अच्छा रिसीव हुआ था, मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर। अब थोड़ी मेरी स्टडीज ब्रेक हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़े बहुत काम है मेरे मन को कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने इन बच्चे पौधे में पानी डाला जिनकी केयर मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, और इनकी हालात ऐसी इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं जब घर जाती हूँ तो एक महीने के लिए जाती हूँ, तो पानी के बिना ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं। जब मैं पिछली बार घर गई थी उसके पहले मेरे पौधे कुछ इस तरीके से दिखते थे, तो ये तभी की क्लिप है एंड तब ये कुछ इस तरीके से दिखते थे। और इसके बाद मुझे ठंड के लिए अपनी जैकेट धुलनी थी तो मैंने इसको भिगो करके रख दिया, अब इसको धुलेंगे बाद में। ओके सो इस चीज़ के लिए मैं लास्ट एक वीक से वेट कर रही हूँ, एंड इसी के लिए मैंने अपनी रूटीन में से बहुत सारी चीज़ें कट डाउन कर दी थी सो दैट आई कुड जस्ट फोकस ऑन माई स्टडीज, एंड किया भी मैंने बट एक्सेप्ट टू थिंग्स, एक मेरा योगा एंड मेरा इवनिंग वॉक, बिकॉज दीज आर थिंग्स ऑन विच आई कॉन्ट कॉम्प्रोमाइज। योगा मैं अल्टरनेट डेज जा रही थी एंड जो इवनिंग वॉक है वो तो मैं हर दिन जाती हूँ बिकॉज वो मेरे लिए कंपलसरी है। क्या होता है ना कि पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ते 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 आई गेट एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, और मुझे रिलैक्स करने के लिए कम आउट करने के लिए कुछ चाहिए होता है। सो फॉर मी द बेस्ट थिंग इज गोइंग आउट फॉर अ वॉक एंड थोड़ी देर वहाँ पर बैठ करके आना, तो वो चीज़ तो चली रही थी। एंड यहाँ पर जाने का मेरा मन काफ़ी दिनों से कर रहा है बट आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि एक दिन अच्छे से टाइम निकालेंगे एंड फिर जा करके आएंगे। मैं जाने के लिए बाकी दिन भी जा सकती थी बट मुझे आज के दिन ही जाना था, दैट इज मंडे एंड इट इज ऑल्सो हैविंग सम स्पेशल रीजन दैट्स व्हाट। तो आज है मंडे और फाइनली मैं जा रही हूँ, बताया नहीं मैंने कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ हमारे यहाँ पे पास में ही शिव जी के मंदिर है तो वहाँ पे, तो वहीं पे मुझे जाना था एंड ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और वहाँ पे जाके आती हूँ। और मेरे एग्जाम से पहले और यहाँ पे रहने से पहले ये मेरा लास्ट मंडे है, तो आज तो जाना कंपलसरी ही था मेरे लिए और बनता भी है क्योंकि मैं इतने दिन से वेट कर रही हूँ और इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ लास्ट वीक से। चलो घर की पूजा तो हो गई है, नाउ आई हैव टू गेट रेडी फॉर गोइंग मंदिर। तो सबसे पहले मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं हर दिन रात यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग, और मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, तो दीज आर द थिंग्स विच आर मिनिमल फॉर मी। बट थोड़ी बहुत स्किन केयर की ज़रूरत होती है सबको ही, वरना स्किन बर्बाद हो जाती है, एंड जब आप स्किन केयर करते हो ना तो अपनी स्किन पे अलग ही इफेक्ट देखोगे कुछ दिनों बाद में। बट मेरा स्किन केयर वाला थिंग ना ऑन ऑफ चलता रहता है, जैसे मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से होता है। तो मैं पहले लगा रही हूँ ये एक्लॉजिका की लिप बाम, और ये मेरे हिसाब से द वर्स्ट लिप बाम आई हैव एवर यूज्ड, बिकॉज ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 290 की है ये, इतनी सी लिप बाम। देखा जाए तो लिप बाम कॉस्टली होती है बट उनकी क्वालिटीज़ अच्छी होती है, मैंने बहुत सारे लिप बाम ट्राई करे हैं बट ये इसकी फर्स्ट लिप बाम आई हैव एवर ट्राइड, और इनका कहना है ये टिंटेड है बट ये किसी हिसाब से टिंटेड नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये मत लेना डॉटन की वाली, रेड लेना, इसका रेड शेड मुझे लेना था बट मैंने गलती से ये ऑर्डर कर दिया था, और हाँ आई थिंक मेरी गलती थी कि मैंने ये वाला ऑर्डर किया बिना देखे। मेरे इतने अच्छे हेयर्स इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मास्क विच आई एम यूजिंग, अगर मैं एक बार भी मास्क नहीं यूज़ करूँ ना तो मेरे बाल भाई कैसे बाल हो गया देख के डर जाओगे आप। एंड सी मेरे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया इधर इधर साइड पे, सो दैट्स व्हाट इसकी भी केयर मुझे करनी पड़ती है टाइम निकाल करके, नहीं तो मैं एक महीने में अगर हेयर केयर ना करूँ ना तो मैं अगले महीने टकली दिखूंगी, और अगर एक बार हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकता नहीं है। तो ये मेरे मन से मेकअप करके मैं रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए, एंड मेरा कैसा है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से मंदिर जाती हूँ क्योंकि मुझे मंडे और सैटरडे को जाना पड़ता है, रेगुलरली मैं जाती हूँ तो मैं इतना कुछ रेडी होकर के नहीं जाती हूँ, एंड हम वहाँ पे सुकून के लिए जा रहे हैं तो मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ। बाकी कहीं स्पेशल अगर जा रहे हैं तब तो अलग बात है, तब तो अच्छे से रेडी होना पड़ता है क्योंकि रेडी होना किसी नहीं पसंद है यार। तो चलो बिना देरी कब चल के आते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ जाने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पूरे 1.5 महीने बाद शिवजी के मंदिर जा रही हूँ, वरना मैं यहाँ पे हर मंडे को आती थी बट एग्जाम्स पास आने की वजह से मेरा रूटीन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बट मुझे ये था कि मैं घर जाने से पहले एक बार ज़रूर जाऊँगी, और मुझे मंडे को ही आना था क्योंकि भगवान तो मुझे हर दिन मिल जाएंगे यहाँ, बट ये लोग सिर्फ मंडे को यहाँ पे रहते हैं एंड हर मंडे को मैं इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर के आती थी, हर बार कुछ चेंज करके, और मेरे जैसे ही कई लोग हैं जो इनके लिए कुछ ना कुछ हर बार खाने के लिए लेकर के आते हैं, एंड एटलीस्ट मंडे को इनको हर टाइम खाने के लिए अच्छा अच्छा मिल जाता है और इनका पेट भर जाता है। तो मैं भी आज इनके लिए गन्ने का जूस लेकर के आई थी, इनसे बैठ करके थोड़ी देर मैंने बातें करी, इसके बाद मैं दर्शन करने चली आई, और फिर मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए बट मेरा दिल यहाँ से जाने का नहीं कर रहा था, और मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ करके अपने मन को शांत करना चाहती थी। बट उस टाइम पे यहाँ पे मंदिर की सफाई चल रही थी तो मैंने सोचा बैठने से अच्छा है मैं थोड़ी देर यहाँ पे सबकी हेल्प कर दूँ और मुझे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ आने से पहले मुझे बिल्कुल भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मैं बहुत थका फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड। बट यहाँ पे आने के बाद में, इनसे मिलने के बाद में, भगवान के दर्शन करने के बाद में और यहाँ पे सफाई करते करते धीरे धीरे मेरे मन को शांति मिलने लगी और मुझे एट दी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं उदास और थका हुआ मन लेकर के आई थी बट जब मैं यहाँ से वापस गई तब मेरे चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी, मेरा मन खुश था और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी।
और घर आते आते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, बट जब मैंने टाइम वहाँ पे स्पेंड किया वो करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई क्योंकि मुझे अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करना है, एंड मैंने अपना ये चार्ट बनाना स्टार्ट किया। ये चार्ट मैंने बहुत दिन पहले स्टार्ट किया था बनाना, बट बीच में मैंने छोड़ दिया था। 80% ये कंप्लीट था बट थोड़ा सा बचा हुआ था, और ये पूरा एक बड़े चार्ट पर जितना मेरे नोट्स बने थे जिनको मुझे ट्रेन में एक दिन पहले रिवाइज करना था। सो मैंने जल्दी जल्दी से इसको बनाया, और इसको बनाते बनाते मैंने सारी चीज़ें एक बार वापस से रिवाइज कर ली थी। इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन में सबसे मेरा स्ट्रांगेस्ट पार्ट पॉलिटी और ज्योग्राफी है, तो एंड ये दोनों ही पोर्शन काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं इस एग्जाम में, एंड लकीली मेरा स्ट्रांग पार्ट भी यही है। बट इन दोनों ही सब्जेक्ट में इतनी वास्टनेस की वजह से ना बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इसीलिए मेरा टारगेट था मैं जितनी बार रिवाइज कर सकूँ उतनी बार इन दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज करूँ। एंड उसी के लिए मैंने दोनों ही सब्जेक्ट के शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाए थे जो मैं एग्जाम के एक दिन पहले एक या दो घंटे में रिवाइज कर सकूँ, एज बाकी सारे सब्जेक्ट्स एंड पोर्शन की रिविजन भी करनी होती है। और ये स्लॉट खत्म करने के बाद में मैंने स्वीट पोटैटोस खाए जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिली, बट अभी ये बैठने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, तो मैंने लेट करके अपनी बुक रीड करना स्टार्ट किया। जब भी मैं थक जाती हूँ और मुझे कुछ करने का मन नहीं करता तो मैं ये लाइट्स ऑन करके सिंपली बस इनको देखती रहती हूँ, एंड देन मेरे पास ऑटोमेटिकली वापस एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए। तो चलिए ये स्लॉट खत्म करके अब चलते हैं फाइनली इवनिंग वॉक पे। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है बिकॉज मेरा ये स्लॉट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बट फाइनली खत्म हो गया कैसे तैसे। तो जहाँ पे मैं रेगुलरली आकर के शाम को बैठती हूँ वहीं पे मैं आ गई थी। थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी रही, और मुझे हर दिन यहाँ पे आकर के अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के शाम को बैठते हैं, तो मैंने भी उसी तरीके से अपनी हैबिट डाली है इन सब चीज़ों की। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं एग्जाम के लास्ट डेज में भी कितना चिल हूँ, कितना रिलैक्स्ड हूँ, बट सिचुएशन इसकी बिल्कुल उल्टी है। पूरे दिन में मैं 2-3 बार बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करती हूँ, बहुत सफोकेटिव सा फील होता है, एंड जब जब मैं याद करती हूँ कि अब 3 दिन बचे हैं 4 दिन बचे हैं तो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और थोड़ी घबराहट सी भी होती है। बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ बाई डीप ब्रीथिंग, लिसनिंग सम सॉन्ग्स जिसकी लाइन मुझे थोड़ी सी होप देती है कि आई गिव माई बेस्ट और आगे जाकर के सब कुछ अच्छा होगा। एंड मेरी सारी मेहनत जो मैं इस टाइम पे 17-18 घंटे पढ़ रही हूँ, अपनी भूख प्यास नींद और जितने भी डिस्ट्रैक्शन उनको साइड रख करके सिर्फ और सिर्फ मैं इस एग्जाम पे फोकस कर रही हूँ, ये सबको जरूर वर्थ होगा जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा। यार रियली आई डोंट वांट टू बी एंग्शियस, सो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे खुद को ऐसे परेशान होता देख करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अंदर से। मेरी लाइफ का हमेशा के लिए सबसे बड़ा मोटो यही है कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एवरी टाइम। आई नो हर टाइम हम खुश नहीं रह सकते, बट हम ट्राई कर सकते हैं कि हम जितना हो सके उतना ज़्यादा खुश रहें, एंड व्हेन समटाइम्स द थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड तो एटलीस्ट हम उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और अपने मन को खुश करने के लिए मैं एक अच्छा बड़ा सा स्लॉट और अपना टारगेट खत्म करने के बाद में मैं बाहर चली जाती हूँ जहाँ जाकर के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मैं 3-3 बार गई, बट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे मुझे क्योंकि 4 दिन बाद मेरी एग्ज़ाम है और मैं अच्छे से रेस्ट भी नहीं ले पा रही हूँ। मेरा माइंड इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है कि अभी ये करना है अभी वो करना है, तो मैं कुछ और चीज़ कर भी नहीं पाती हूँ। जब मैं खाना खाती हूँ और थोड़ी देर के लिए सोती हूँ तभी मैं इस टेबल और चेयर से हटती हूँ, वरना मेरा दिन रात यहीं पे सब कुछ बीतता है। और एक ही दिन में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए रहती हैं और टाइम लिमिटेड रहता है। सो लास्ट कुछ दिनों से मैंने टाइमर लगा करके पढ़ना स्टार्ट किया है सो दैट मैं ट्रैक रख पाऊँ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं कितने टाइम में कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहले लर्न करती थी ना तो मैं बहुत देर तक लर्न ही करती रह जाती थी, मुझे टाइम ही नहीं पता चल पाता था। इसलिए मैंने टाइमर लगा करके स्टडीज करना स्टार्ट किया और अपने जितने भी टारगेट्स हैं उनको ट्रैक में रखना स्टार्ट किया, जिससे मैं अपने आपको पुश करके कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ें करा लेती हूँ। क्योंकि जब हम प्रेशर में रहते हैं तो कोई भी काम थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पूरे दिन का रूटीन बताया मेरा मेजर टाइम लर्न करने में जाता है, और मुझे लगता है कि हमारी पूरी स्टडीज़ में जितनी भी चीज़ें हम करते हैं उसमें लर्न करने में सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक्टिवली हम चीज़ों को बार बार बोलते रहते हैं, एंड जब हम बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमें बार बार कुछ खाना पड़ता है। एज फूड इज़ दी ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, इसलिए मैंने अपने पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो मैं बीच बीच में खा लेती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, दाल हो गई, ओट्स हो गया, जिसमें टाइम भी नहीं लगता और मुझे आगे काम करने के लिए एनर्जी भी मिल जाती है। और आज का पूरा दिन खत्म करते करते मुझे 6 बज गए थे, एंड अब जाकर के फाइनली मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आने लगी थी, और मैं अब 4-5 घंटे सोने का ट्राई करूंगी, बट मुझे पता है कि मैं नहीं सो पाऊंगी। सो माई डे एंड्स ओवर हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।